Hello everyone. Today, after doing the C-terminal and N-terminal analysis, we are going to start the new topic of amino acid, that is synthesis of peptides from amino acid. This is very very important part, okay, for your exam. And आप जो अभी तक हमने पढ़ा कि जो पेप्टाइड चेन हम इतनी लंबी लिखते थे जिसमें अमाइनो एसिड आर एक्टिंग विद वन अनदर और वी आर गेटिंग पेप्टाइड लिंकेज, हाउ वी सिंथेसाइज दिस. बेसिकली फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स वी आर हैविंग लॉट ऑफ मेथड, बट इन योर बुक टू मेथड्स आर गिवन. फर्स्ट मेथड इज क्लासिकल सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सोल्यूशन फेज synthesis of amino acids, and then solid phase synthesis of peptide bonds from amino acids, right? So we are going to start the first method. First one is our classical method. Now इन द क्लासिकल मैथड होता क्या है, बेसिकली वी हैव टू टेक, दिस इज सपोज फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस इज सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, दे रिएक्ट विद वन अनदर एंड वी आर गेटिंग पेप्टाइड लिंकेज अमंग दैम. ओके, विद रिमूवल ऑफ वाटर वी गेट पेप्टाइड लिंकेज एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज CONH लिंकेज, ये बन जाता है हमारे पास. बट ये जो है क्लासिकल मेथड, जो ये हम कंडेंसेशन करते हैं, दिस इज नॉट इजी, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट डजंट टेक प्लेस इजीली. ठीक है, बहुत सारे मेथड आते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्टिल लैब में ये रिएक्शन होती है और इसके जो स्टेप्स हैं आई एम गोइंग टू मेंशन इट. तो इसके जो स्टेप्स हैं हमारे पास क्लासिकल मेथड के, व्हाट आर द स्टेप्स? तो वी आर हैविंग फोर स्टेप्स इन दिस. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन, then activation, then we have formation, and then removal of protecting groups. Clear? First step is protection, then activation of COOH group. Clear? And the third is the formation, fourth is the protection, removal of protecting group. तो अब ये protection क्या है, activation क्या है, let us start it. Now, first is protection of amino acid. For doing protection, you have to use protecting groups. क्या चाहिए आपको? We need protecting groups for this. तो बहुत सारे protecting groups हम use करते हैं, जैसे first protecting group है आपका, it is benzoyl oxy carbonyl chloride. Okay, first is this and its formula is C6H5CH2OCOCl. इसको use कर सकते हो. सेकेंड वन इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनिल प्रोटेक्टिंग ग्रुप. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज, आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, इट इज CH3 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 O. This is the formula of this.
क्लियर। उसके बाद जब भी आपने इसको यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ दिस विद बेस। बेस के साथ इसको रिएक्ट करते हो, साथ में हमारे पास अमाइनो एसिड होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये वाला ग्रुप है जो आपका, इतना ग्रुप, इतना ये सारा अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाता है, राइट। तो थर्ड ग्रुप इज, इट इज फ्लोरो फ्लोरोनिल मिथाइल ऑक्सी कार्बोनिल प्रोटेक्टिंग ग्रुप, क्लियर। एंड इट्स फॉर्मूला इज, बहुत सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं तो आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक एनी वन और टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, क्लियर। तो एक दो आप याद कर लो जो आपको ईजी लगते हैं। दिस इज अनदर फंक्शनल ग्रुप, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। एंड यू कैन ऑल्सो यूज 4-dimethyl अमीन प्यूरिडिन एंड इन द शॉर्ट इट इज़ नोन एज DMAP, इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। इसको हम बोलते हैं FMOC, क्लियर। दिस इज BOC। तो आप कोई भी हमारे पास यूज़ कर सकते हो प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और भी हैं, DCC इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो कोई भी अमाइनो एसिड्स की प्रोटेक्शन के लिए यू कैन यूज़ एनी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, क्लियर। तो व्हाट आर द रिएक्शंस, फर्स्ट इज प्रोटेक्शन। इन द प्रोटेक्शन व्हाट वी हैव टू डू, सपोज आई एम टेकिंग C6H5 CS2 OCOCl एंड आई एम गोइंग टू रिएक्ट इट विद द अमाइनो एसिड। मैंने ले लिया ग्लाइसिन, ओके। ग्लाइसिन के साथ जब मैंने रिएक्ट करवाया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा हमारे पास एंड वी आर गेटिंग C6H5 CH2 OCONH CH2 COOH, ओके। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, इट इज बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, ओके। एंड दिस इज ग्लाइसिन। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड। यहाँ से इसकी NH2 जो था फ्री था, जो उसके साथ हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, जो दिस इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, वो अटैच हो गया, क्लियर। तो इन द सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। बेसिकली इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो व्हाट इज द रिएक्शन इन दिस स्टेप, यू हैव टू टेक प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड CH2 OCONH CH2 COOH। यू हैव टू यूज एनी रिएजेंट बाय विच यू कैन गेट एसिड क्लोराइड एट द एंड। तो यहाँ से हमारे पास SO2 रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा एंड वी आर गेटिंग, आई एम गोइंग टू राइट pH हेयर, pH CH2 OCONH CH2 COCl। तो यहाँ से एसिड का ही क्लोराइड बनना है, तो इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद दिस एंड वी आर गेटिंग दिस, एंड दिस इज एसिड क्लोराइड ऑफ एन बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसिन, क्लियर। तो सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो डन। थर्ड इट इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। तो यहां तक हमने क्या किया, वी डू द प्रोटेक्शन विद एनी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, लॉट ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स आर देयर, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड इज डायरेक्टेड विद एनी रिएक्टिव रिएजेंट बाय विच वी कैन गेट एसिड क्लोराइड एट द एंड। नाउ pH CH2 OCONH CH2 COCl, this acid chloride is going to react with new amino acid, ठीक है। कोई नया amino acid ले लो, उसके साथ इसको react कर दो, ठीक है। Suppose I am going to take alanine, क्या लिया मैंने यहाँ पे, alanine, this is acid chloride of protected
अमाइनो एसिड। तो एलानिन के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ से HCl का रिमूवल हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग PHCH2CONH CH2CONH CH CH3 COOH। क्लियर? तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली चीज। ठीक है, तो दिस इज एन बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल नाउ ग्लाइसाइल एलानिन। ओके, ग्लाइसाइल एलानिन, बिकॉज एट द स्टार्ट यू आर टेकिंग ग्लाइसिन एंड एलानिन, तो पेप्टाइड लिंकेज जब भी बनती है तो ग्लाइसाइल इसके नेम से और एलानिन लास्ट नेम है। ठीक है, तो फोर्थ रिएक्शन इसमें क्या आएगी हमारे पास, लास्ट स्टेप इज देयर, इट इज रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो जितने भी आपने यहाँ पे लिखे थे प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, तो वो एसिड बेस भी हो सकते हैं, वो बेस लेवाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक BOC अगर आप यूज़ करते हो और FMOC यूज़ करते हो, जो मैंने आपको पहले बताए हैं, यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड यूज़ कर लो आप, ठीक है, या HCl स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लो, तो इनकी रिमूवल एसिड के साथ होगी। ठीक है, तो इन दिस एग्जाम्पल C6H5 CH2 O CONH CH2 CONH। इन द लास्ट स्टेप ये हमारे पास बना था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन ट्रीट दिस विद हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। ठीक है, रिड्यूस कर दो, रिडक्शन कर दो, यहाँ से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की है मैंने, तो आई एम गेटिंग NH3 CH2 CONH CH CH3 COO negative। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकेज हो गई है बेसिकली चेन की। ठीक है, तो ये ज्विटराइन फॉर्म लिखी है, तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो NH2 CH2 CONH CH CH3 COOH प्लस C6H5 CH3, यहाँ से भी ब्रेकेज होगी एंड वी आर गेटिंग CO2। ठीक है, ये निकल गया, दिस इज नोन एज टॉलिन, दिस इज ग्लाइसाइल LNN। ओके, तो लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, यू कैन यूज अनदर रिएजेंट ऑल्सो फॉर दिस, यू कैन टेक HBr। Now I am going to add strong acid and I am taking CH3COH acetic acid along with this. You can also use trifluoroacetic acid. तो ये भी use कर सकते हो आप। ठीक है, तो कोई भी acid आप use कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, CH2Br प्लस CO2 प्लस वी आर गेटिंग अगेन अमाइनो एसिड CH2 CONH CH CH3 COO negative। राइट, तो दिस इज होल थिंग अबाउट द क्लासिकल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट दिस स्टेप। तो इसमें हमने करना क्या है, बेसिकली इन टूडेज लेक्चर वी डिड द सेंसेज ऑफ पेप्टाइड्स फ्रॉम अमाइनो एसिड। इट इज़ बेसिकली थ्री काइंड प्रोसेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर योर एग्जाम। और टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लासिकल सेंसेज। इसमें हमने क्या किया, बेसिक स्टेप्स आर प्रोटेक्शन, एक्टिवेशन, फॉर्मेशन, देन रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो प्रोटेक्शन करनी है तो यू कैन यूज एनी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, बहुत सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं, ये तो मैंने बहुत थोड़े लिखे हैं, यू कैन रिमेंबर ओनली वन और टू फॉर डूइंग द रिएक्शंस ऑफ योर एग्जाम। ओके, इन द प्रोटेक्शन स्टेप, सपोज आई एम गोइंग टू टेक दिस फर्स्ट रिएजेंट, ये वाला मैंने ले लिया, एंड आई एम गोइंग टू रिएक्ट विद
ग्लाइसिन विद रिमूवल ऑफ HCl प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड बन जाएगा. अमीन पे हमारे पास ये वाला ग्रुप अटैच हो गया. उसके बाद आपने क्या करना है, जो एसिड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड क्लोराइड विद एनी सूटेबल रिएजेंट. उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास एसिड क्लोराइड आ गया प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड का, उसको रिएक्ट करोगे न्यू अमाइनो एसिड के साथ एंड आई एम गोइंग टू टेक एलानिन. देन यहाँ से हमारे पास HCl का रिमूवल होके लॉन्ग चेन बन जाएगा. ओके, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू पेप्टाइड लिंकेज. देन ये चीज़ भी होगी. उसके बाद हमने क्या करना है, बेसिकली हमने पेप्टाइड ही बनाना था, ये तो हमारा बन गया, बट दिस थिंग इज एक्स्ट्रा. देन वी हैव टू रिमूव द प्रोटेक्टिंग ग्रुप की हमारे पास नॉर्मल अमाइनो एसिड आ जाए. तो उसको करने के लिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं कि आपने कैसे उसको रिमूव करना है, ठीक है. तो सपोज अगर ये बनाया हमारे पास पीछे वाला जैसे हमने किया था स्टेप, तो अगर आप H2 के साथ रिएक्ट कर दो तो भी आपके पास फ्री अमाइनो एसिड आ जाएगा. अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हो देन यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम अमाइनो एसिड आफ्टर द एंड. दिस इज द क्लासिकल सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड. बट ये हमारे पास जो इसकी ड्रॉबैक है वो क्या है कि हमारे पास इसकी यील्ड बहुत कम आती है. यील्ड इज वेरी वेरी लेस, राइट. हमारे पास अगर लॉन्ग चेन है, सपोज करो पहला अमाइनो एसिड आ गया, फिर हमें दोबारा फिर रिपीट करना पड़ेगा ये स्टेप, फिर सेकेंड अमाइनो एसिड आएगा, फिर थर्ड आएगा, और हमारे पास धीरे 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 इसकी यील्ड है जो वो बहुत लो हो जाती है. यील्ड इज़ वेरी लेस, लॉन्ग प्रोसेस है ये, बहुत टाइम लेता है हमारे पास, ठीक है, इस करेक्शन को करने के लिए, ठीक है. और हमने ये भी बोला था कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. लॉन्ग प्रोसेस मीन्स टाइम कंज्यूमिंग, क्लियर. और इसका जो प्रॉब्लम है हमारे पास कि ये बेसिकली इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जो हम करते हैं कि इसको, ये हमारे पास इट इज़ नॉट सो सूटेबल प्रोसेस, लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स आर देयर, एंड लेबॉरेटरी में इसको पॉसिबल करना बहुत सारी ड्रॉबैक्स को साथ लाने के बराबर है. तो दैट्स वाई वी डिस्कार्ड दिस मेथड और हमारे पास आगे न्यू मेथड्स की जो डिस्कवरी हुई है, सोल्यूशन फेस एंड सॉलिड फेस. एंड in the next video I am going to take the solid phase synthesis, which is very important for your exam. So clear your doubts, and if you like my video then subscribe the channel, and if you have any doubt then let me know about the doubts in the comment box.